हेलो गाइस, क्या हाल चाल, क्यूजी आप सभी लोग और गाइस स्वागत है आप सभी का यहाँ पे एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस, आर्क सर्वाइवल वुल्फ का, आर्क एबरेशन का। सो गाइस, आर्क एबरेशन के पिछले एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा होगा, हम लोग ने हजमत सूट जो है ना गाइस वो यहाँ पे बना लिया है। हम लोग ने अंडरग्राउंड जाके जो है ना गाइस यहाँ पे अंडा चुराने की पूरी प्लानिंग कर ली है। और आज के इस वाले एपिसोड में तुम्हारा भाई जो है ना गाइस वो यहाँ पे अंडरग्राउंड जाके जो गाइस यहाँ पे अंडा होता है रॉक ड्रेक का, उसको फाइनली चुराने वाला है। इसमें खतरा काफी ज्यादा है, लेकिन गाइस मैं पहले भी ये कर चुका हूँ तो इस बार मुझे पता है गाइस कि कहाँ से कैसे जाना है। और उस अंडे को मेरे को हैच भी करना पड़ेगा, और साथ ही में जो है ना गाइस यहाँ पे जो रॉक ड्रेक मिलेगा उसके लिए भाई मैं असेंडेड वाला सैडल बनाने की भी कोशिश करूंगा। बाकी अभी आज का जो एपिसोड है ना गाइस हमारा आर्क एबरेशन का, वो शुरू करने से पहले जो नए बंदे होंगे यार चैनल पे बराबर से गाइस वीडियो को लाइक दे, शेयर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना गाइस। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको गेमिंग की डैडी और हमारे ब्लॉगिंग चैनल की, दोनों चैनल को जरूर से चेकआउट कर लेना गाइस। हमारा सुपर थैंक्स का ऑप्शन जो है ना गाइस अनलॉक है। अगर आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो लाइक शेयर और डिसलाइक की साइड में जो थैंक्स का बटन है उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। एंड गाइस, अगर आपको आर्क पीसी, आर्क मोबाइल या किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर बनाने तो नीचे निट्राडो का लिंक है जिसके ऊपर क्लिक करके आप लोग किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर आसानी से बना सकते हो, तो जरूर चेकआउट कर लेना निट्राडो सर्वर को, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिएगा लिंक से। अबे आप सोच रहे होंगे गाइस कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तो गाइस मैं यहाँ पे आया हूँ वो जो गैस नहीं गाइस हम लोग ने यहाँ पे भाई इकट्ठा करने के लिए लगाई थी मशीन, उस मशीन में कितना गैस इकट्ठा हुआ वो देखने के लिए तुम्हारा भाई गाइस यहाँ पे आया है। और साथ में मैं थोड़े से स्टोन भी इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि मैं सीमेंटिंग बेस ना वो भाई बनाने के लिए डाल सकूँ। और चिटिन वगैरह तो सीन ही नहीं है गाइस भाई, इन लोग को मार के तो भर भर के चिटिन वगैरह तो मिलता ही है, आपको बताइए गाइस ठीक है। और अभी गाइस रुको, मैं पहले देख लेता हूँ क्योंकि सर्वर है गाइस, सिंगल प्लेयर नहीं है तो सर्वर कैसे 24 घंटा चलते रहता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे काफी ज्यादा जो है ना गाइस मात्रा में इकट्ठा हो चुका होगा गाइस वो अपना गैस भाई ठीक है, गैस बॉल एक्चुअली में उसको बोलते हैं, गैस नहीं बोलते उसको, गैस बॉल्स बोलते हैं। और वो मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे काफी ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो चुकी होंगी। मैं चल के देख लेता हूँ गाइस की कितनी गैस यहाँ पे इकट्ठा हुए, गैस बॉल्स नॉट गैस, गैस बॉल्स भाई ठीक है। सो 1000 काम बच्ची से मेरे भाई 1126। मैं अपना जो सूट है ना गाइज जो मैं पहना है उस सूट को एकदम तगड़ा वाला अपग्रेड कर सकता हूँ, एकदम तगड़ा वाला गाइज ठीक है। हाँ बस मुझे थोड़ा सा ऑर्गेनिक पॉलीमर जो है ना गाइज उसकी जरूरत शायद से पड़ सकती है एक्स्ट्रा, मैं देखता हूँ। चलो मैं इसको ना अपने 1000 सूट को ही जो है ना गाइज असेंटेड वाला बना के लेके जाऊंगा, डायरेक्टली असेंटेड वाला 1000 सूट पहन के ही जाएंगे आप लोग। हम लोग को ना जो अपना फ्लेक वाला आर्मर है उसकी जरूरत ही नहीं है, सीधा 1000 सूट जो है ना गाइस वही पहन के जाएंगे। ऑल राइट रुको, अभी यहाँ पे मेरे को वाह जादू देखो, वो देखो जादू बेस क्या सीधा भाई ऊपर ही चढ़ गया भाई वो, मैं उसको भाई चिटिन के लिए मार रहा था वो भाई डायरेक्टली भाई पता नहीं कौन सी भाई अनहोनी शक्ति है उसके पास, सीधा ऊपर ही चल गया। चलो कोई ना, मैं अभी फटाफट से जो है ना एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे जाके 1000 सूट को अपग्रेड करना है। और एक चीज लेना तो मैं गाइस भूल ही गया, यहाँ पे मुझे जो है ना गाइस यहाँ पे लेनी है अभी फिलहाल के लिए वो हुक नहीं होता है गाइस वो जिसे मैंने पिछली बार गाइस नेस्ट में चढ़ के अंडा लिया था, वो मुझे यहाँ पे लेना है क्योंकि मेरे हिसाब से उस गुफा के अंदर जो है ना गाइस हुक वगैरह लगेगा नहीं, अपना ग्रैपलिंग हुक की बात कर रहा हूँ मैं। सो मुझे ना गाइस लेना पड़ेगा क्लाइंबिंग ये वाला, और इसको असेंटेड बनाना है इसके लिए ग्रीन जेम भाई 2000 ग्रीन जेम है यार, क्या बात कर रहे हो भाई तुम, ग्रीन जेम की कमी है क्या तेरे भाई को। रुको गाइस मैं यहाँ पे सीमेंटिंग बेस बनाने के लिए डाल देता हूँ और थोड़ा सा, मेरे पास तो चिटिन नहीं है गाइज, मेरे पीटी के अंदर जो है ना गाइज जरूर से यहाँ पे चिटिन पड़ा हुआ होगा, तो मैं फटाफट से जो है ना गाइज इसके अंदर से चिटिन निकाल लेता हूँ। अरे यार ज़्यादा तो नहीं पड़ा है बट जितना पड़ा है उतने से शायद से काम बन जाएगा, काम बन जाएगा गाइज अपना ठीक है। रुको मेरे पास चिटिन तो होना चाहिए क्योंकि मैं काफ़ी सारे जो है ना गाइज चुटकू चुटकू डायनोस को मारते रहता हूँ हमेशा। रुको मैंने बॉक्सेस में भी चिटिन नहीं रखा है, पता नहीं मेरा चिटिन कहाँ पे चला गया, मेरे पास होना तो चाहिए था। चलो कोई ना, अभी ये जो गाइस क्लाइंबिंग पिक है पाइक या जो भी इसको बोलते हैं इसको मुझे अपग्रेड कर लेना है ठीक है, उसके बाद हम लोग रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे ग्रीन जेम्स ये लो भाई, ये लो इसको असेंटेड बना लेना है, एक से काम बन जाएगा, पिछली बार जो ना एक भी यूज़ नहीं हुई थी ठीक है, तो इस बार एक से काम बन जाएगा।
ऑलराइट, इससे जो ना कि हम लोग जो नेस्ट होते हैं रॉक ड्रेक के उनके नेस्ट तक पहुंच पाएंगे क्लाइम कर करके। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे ये जो पाइक है वो लगा देता हूँ, एंड इसका जो है ना सेंडेड वाला जो है ना इस ब्लू प्रिंट मैंने डाला है उससे मैं भाई ये बना रहा हूँ क्लाइंबिंग बाइक। एंड इसको हम लोग ऐसे हाथ में लेंगे और एकदम देखो गाइस स्पाइडरमैन बन के जो ना हम लोग जहाँ भी चाहे वहाँ पे इजीली चढ़ सकते हैं गाइस। ठीक है, इजी पीजी। ऑलराइट, तो गाइस यहाँ पे अंडा चुराने की पूरी तैयारी हो चुकी है, सारी चीज़ें हम लोग ने बना ली है। मैं एक्स्ट्रा जो मेरे को एक मिनट रुक जा भाई, एक मिनट तो रुक जा। अपने 1000 सूट को अपग्रेड करने के लिए मुझे बताओ क्या चाहिए। मेरे पास गैस बॉल तो 1000 पड़ी है, तो बताओ जी इसको। अच्छा ये ब्लू प्रिंट है क्या? ब्लू प्रिंट स्टेशन है, अपग्रेड है, अपग्रेड स्टेशन तो है भाई। इसके लिए मुझे ब्लू जेम्स चाहिए होंगे, पॉलीमर और क्रिस्टल चाहिए होगा। लकीली ये सारी चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई है गाइस। ठीक है, ओके गाइस, अभी यहाँ पे मुझे क्या कर लेना है, मुझे क्रिस्टल ढूंढने। ये रही क्रिस्टल, ब्लू जेम्स, एक मिनट रुक जाओ, मेरे पास इतने कम तो ब्लू जेम्स नहीं थे, मैंने सामान कहीं तो रखा हुआ है, मुझे पता नहीं कहाँ पे। यहाँ पे ये रहा गाइस, क्रिस्टल, ब्लू जेम्स एंड ऑर्गेनिक पॉलीमर। ऑर्गेनिक पॉलीमर इसके अंदर होगा जो कि ये रहा 1900 से। मुझे पता नहीं गाइस मैं असेंडेड वाला सूट बना पाऊंगा कि नहीं, बट कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, मैं सारी चीज़ें यहाँ पे डाल देता हूँ, इसके अंदर से वो जो मशीन है वो निकाल लेता हूँ एंड इसको अपग्रेड करना चालू। पता नहीं गाइस ऑर्गेनिक पॉलीमर अगर थोड़ा सा कम पड़ा ना तो दिक्कत हो जाएगी। मुझे नहीं लग रहा ऑर्गेनिक पॉलीमर के अलावा और कोई चीज़ यहाँ पे कम पड़ने वाली हम लोग को। ठीक है, मैं आराम आराम से अपने पूरे के पूरे 1000 सूट को जो है ना गाइस यहाँ पे अपग्रेड कर रहा हूँ। गैस बॉल्स कम पड़ गए, वाओ ड्यूड दैट्स कूल। गैस बॉल गाइस पूरे के पूरे कदम मैं बस थोड़ा सा अपग्रेड कर पाया हूँ यहाँ पे अपने 1000 सूट को। चलो कोई ना, हम लोग ने सारी चीज़ें मेरे हिसाब से ले लिया, टेलीपोर्टर रिमोट वगैरह सब कुछ है अपने पास, सूट भी है। ये वाला सूट अभी फिलहाल के लिए मैं पहन के जाऊँगा क्योंकि 1000 सूट जो है गाइस वो हमारा यहाँ पे बना नहीं, बन तो गया मतलब, लेकिन 1000 सूट जो है ना गाइस वो हमारा असेंडेड वाला नहीं बना है। ठीक है, अभी मैं बियर को लेके जा रहा हूँ सीधा अंडरग्राउंड वर्ल्ड में, वहाँ पे हम लोग जो है ना गाइस जो रॉक ड्रेक का अंडा है वो फाइनली चुरा पाएंगे। ओके चलो गाइस, रिकवरी जो है ना गाइस वो तो हो रही है भाई अपने वर्ल्ड की। यार काम का अगर गाइस यहाँ पे पावर कट के कारण डाटा करप्ट नहीं होता ना तो अभी तक हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुके होते भाई। अभी तो बस हम लोग भाई रिकवरी कर रहे हैं हमारी। चलो अभी मैं अंडरग्राउंड वर्ल्ड में जाता हूँ एंड देखते वहाँ पे कौन से जो है ना गाइस खतरों का सामना मुझे करना पड़ता है। एक काम कर लेना भाई, शायद उनके लेवल अप करने के लिए इसको डोडो से बिड़ा दूँ क्या मैं मेरे दो। चलो 4000 इसकी चार्ज एम्बिशन है, मतलब लगभग आधे घंटे तक जो है ना विदाउट रिचार्ज के ये चल सकती है। ठीक है, मैंने खाना पानी सब कुछ ले लिया है, रुको ये खाना भी खा ले भाई। खाना ले लिया है, पानी ले लिया है, कैंटीन ले ली है, हैचेट है मेरे पास, स्वाड है मेरे पास, सारी चीज़ें गाइस रेडी है। बस अभी नीचे कूदना है और वहाँ से अंडा जो है ना गाइस वो चुरा के मुझे लाना है। ठीक है, देखते चलो गाइस कि यहाँ पे रेडिएशन हम लोग को जो है ना गाइस मारता है या फिर हम लोग अंडा चुरा के लेके आते हैं। ठीक है, मैं पिकैक्स भी लेके जाऊँगा साथ में और स्वाड भी गाइस मैंने 3 नंबर पर रखे, अगर कोई हमला कर देता ना स्वाड से काट के रख दूँगा सीधा मैं उसको, और अब मार देंगे इस अंडरग्राउंड वर्ल्ड में। एक काम कर ले, इसकी लाइट अभी चालू कर ले बकरी जी, टर्न ऑन द लाइट, नाइस वन। क्योंकि भाई डायरेक्टली नेमलेस जो है ना कि जो स्पॉन होना शुरू हो जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि नेमलेस के हाथों जो है ना कि इसमें मारा जाओ फ्री फंड में सब, बल्कि फॉल डैमेज से नहीं भाई, फॉल डैमेज से बच गए, नाइस वन, फॉल डैमेज से बच के रहना है बस, और कोई सीन नहीं है। ऑलराइट, पानी में कूदूंगा मैं, पानी में भाई यार ब्रायनिक्स चोमू है भाई, ब्रायनिक्स है भाई वहाँ पे भाई, ये चमक तो रहा है भाई, ग्राफिक फुल लग रही है, ग्राफिक फुल लग रही है। अरे नीचे मत उतारना भाई, नीचे उतार दीजिए भाई, लगाया था भाई, ये नहीं करना चाहिए था इसको, मुझे तलवार निकालनी पड़ेगी गाइस, निकालना जल्दी तलवार भाई, एक और बार स्टन कर देगा वो, क्या कर रहा भाई तू, तेरी बेस चमन चोमू, निकल तलवार से काट दिया गाइस मैंने। ठीक है, अभी बैठ के मैं जमीन पे जा रहा हूँ, चुपचाप भाई। ठीक है भाई, ग्राफिक काफी खतरनाक लग रही है यार, पिछली बार से भी ज्यादा कूल लग रही है। वैसे भाई ग्राफिक कार्ड भी तो अपग्रेड करा है, पिछली बार गाइस हम लोग भाई वो अपने पुराने ग्राफिक कार्ड पे घुसे थे तब भाई ये वर्ल्ड थोड़ा सा अलग लग रहा था, अभी थोड़ा सा अलग लग रहा है गाइस भाई, काश इसमें RTX सपोर्ट होता ना। वैसे नया जो असेंडेड आर्क आ रहा है जो कि भाई
चार पांच जन्म बाद आएगा उसमें शायद से आरटीएक्स सपोर्ट होगा भाई, तो और खतरनाक वाली ग्राफिक देखने को मिलेगी असेंडेड वाले आरटीएक्स। अबे यार तू उठा लेता भाई मुंह में, बता मेरे को भाई तू डायनो को मुंह में उठा लेता है, और इसकी लेवल भी तगड़ी वाली होगी तो मैं इसे पंगा ही नहीं लेना चाहूंगा अभी फिलहाल के लिए, तो ना मैं कल्टी मार लेता हूँ। अबे यार कल्टी मारने दे तब ना, रुको तेरी बेइज्जतियां निकल तलवार से। अरे ये क्या चल रहा है भाई, तेरी बेइज्जतियां निकल तलवार से काट दूंगा भाई, चार को चार तो लेवल के पंगे ले रहे मेरे से भाई। 60 लेवल का है फिर भी भाई आप इतना गंदा कैसे मार रहा था वो। चलो चलो गाइस चलो भाई, रुकना नहीं है कहीं पे भी, रुक गया ना तो समझ लो ठुक गया गाइस मैं। भाई यार मेरे को भाई फुल भाई जिगल जिगल दे दे के यहाँ से निकलना पड़ रहा है। ठीक है मेरे को जो है गाइस काफ़ी ज़्यादा अंदर तक जाना है, आगे तक जाना है। राइट मे बी मैं ये वाला रास्ता पकड़ लेता हूँ, ठीक है इस तरफ से। अबे जाना भाई यार, टॉर्पर वगैरह दे रहे यार, और रेडिएशन वाले एरिया में घुसने से पहले मुझे अपने डायनो की जो है ना गाइस हेल्थ फुल करानी पड़ेगी, क्योंकि आपने बियर की हेल्थ जो है ना गाइस वो अभी फिलहाल के लिए तो काफ़ी कम है, और वो रेडिएशन वाले एरिया में पहुंचने तक और भी कम हो जाएगी। मुझे पता है गाइस कि भाई बहुत सारे डायनोज मुझे उंगली करेंगे, इसी डायरेक्शन से गया था मैं पिछली बार भी, बराबर जा रहा हूँ इतनी ज़्यादा पर निकल गया हूँ ना गाइस यहाँ से इस वाले एरिया से कि मुझे अभी रोड भाई यहाँ पे पूरा पता है कि कहाँ से कैसे किधर जाना है, यहाँ से ऊपर जाना है और वहाँ से हम लोग भाई रेडिएशन वाले एरिया में पहुँचेंगे। आपको पता ही होगा दो तीन दिन तक जो है ना गाइस मैं अंडरग्राउंड गुफा में घूम रहा था पिछली बार तो। ओके संभल के, स्टैमिना साथ देगा ना मेरा, कूद जाऊँगा शायद से। ओके नाइस वन राइट, आई थिंक हम लोग गाइस वहाँ पे पहुँचने वाले सबसे खतरनाक वाले एरिया में, और रुकना बिल्कुल भी नहीं, अगर रुक गया ना तो बैंड बच जाएगी मेरी। सही जा रहा हूँ गाइस मैं, सही जा रहा हूँ, मुझे इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाना है यहाँ से नीचे, एंड सामने की तरफ मुझे वो एंट्रेंस जो है गाइस वो दिख जाएगी जहाँ से मैं रॉक ब्रेक के जो अंडे गाइस वो चुराने के लिए अंडरग्राउंड जा सकता हूँ। ठीक है वो कूल तो है ना गाइस, कूल तो है भाई, देखो तो यार क्या लग रहा है ना गाइस, क्या लग रहा है ना इसे, एक तो मेरे को स्क्रीनशॉट लेने का मन कर रहा भाई ये देख के भाई, देखो तो भाई अंडरग्राउंड वर्ल्ड भाई एकदम खूबसूरत ही लग रहा है। चलो अभी बियर की हेल्थ तो है, मुझे नहीं लग रहा कि इसकी हेल्थ फुल करने की ज़रूरत है, 1000 सूट पहन ले बस, और भाई नॉन स्टॉप दौड़े जाना है, रुकना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी रुकना नहीं है, कुछ भी हो जाए रुकना बिल्कुल भी नहीं है, रुक गया तो भाई बहुत गंदा मारा जाऊंगा, ये सारे डायनोस मेरे ऊपर एक साथ हमला करेंगे, और मेरा बियर इतना पावरफुल नहीं है कि इन सारे डायनोस से मेरे को बचा सके। रेडिएशन सूट भाई है मेरे पास, प्रॉब्लम नहीं है, निकल लो। डैम ब्रो मेरे को कोई रोकना, अबे यार ये तो बात थी, यार रोक दी, तलवार से काट दूंगा, तलवार जो है जो ज़्यादा डैमेज दे रही है, मेरा बियर जो है वो 300 का डैमेज दे रहा है, तलवार 1000 का डैमेज दे रही है, बियर के ऊपर बैठ के काटूंगा। निकल ले जल्दी, बकरी को भी डैमेज पड़ रहा है, मैं कर रही है भाई बकरी हमारी। रेड जेम से गई जहाँ पर रेड जेम मेरे को रेड जेम चाहिए गाइस, मेरे को रेड जेम चाहिए गाइस, मार देता हूँ उनको इन लोग को रेड जेम लेके मैं। बाप रे ये किसका हमला हो गया इतना खतरनाक वाला, इसका भी हमला हो, हमसे ना बचने वाला है, हमसे नहीं बचने वाला है, टेंशन नहीं लेने का, काट के रख देंगे। ये लोग ने भी हमला कर दिया क्या भाई, सारे के सारे डायनोस ने भाई आधी हेल्थ हो चुकी है मेरे डायनो की, मेरा बियर खतरे में, मेरा बियर खतरे में गाइस, मेरा बियर खतरे में, रेडिएशन मार देगा यार, कम ऑन सीकर मर जा भाई, मुझे इसकी रिकवरी करनी है। अबे मरता क्यों नहीं है ये सीकर भाई, ये क्या खा के आया है। शिट मैन बियर को मार रहा हूँ क्या मैं, पता नहीं भाई, ये सीकर मरने का नाम नहीं ले रहा, और मेरी रिकवरी गाइस अटकी हुई है यहाँ पे डायनो की,
कमान सीकर मर जाए। उसको मारे बिना कुछ भी नहीं होगा। 550 लेवल कितना लेवल है भाई ये? इसको डैमेज तो दे रहा हूँ, वो भी तगड़ा वाला। गाइस एक ही काम कर सकते हैं, यहाँ से कल्टी मारो। भाई मैं बियर को मरने नहीं दे सकता, मुझे सेफ जगह ढूंढनी पड़ेगी। मेरे को एक सेफ जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे बियर की जो है ना गाइस मैं हेल्थ फुल कर सकता हूँ। ऑल राइट रुको, मेरे को सेफ जगह ढूंढनी पड़ेगी। कम ऑन मैन जल्दी भाई, कोई सेफ जगह जहाँ पे कोई खतरा ना हो बिल्कुल भी। मैन जहाँ बिल्कुल खतरा ना हो, मे भी ये जगह थोड़ी सी सेफ है। रुको गाइस, इसको भाई मीट खिलाना पड़ेगा तब जाके गाइस कहीं पे यहाँ पे इसकी हेल्थ जो ना गाइस वो फुल होगी। मैं यहाँ पे चुपचाप बैठता हूँ और इसकी हेल्थ जो ना गाइस वो फुल करा देता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी सेफ जगह तो लग रही है मेरे को, लग रही थी मेरे को। कम ऑन मैन, मरने वाला है मेरा बियर भाई। शिट ड्यूड, जरा सा भी फॉल डैमेज और इसकी सीधा पेटी, जरा सा फॉल डैमेज और इसकी सीधा पेटी। भाई सेफ जगह मुझे नहीं लग रहा इस जन्म में मुझे मिलने वाली है। ओके बॉयज निकल, जल्दी चल भाई। ओह मैन, शिट ड्यूड, आई डोंट नो व्हाट टू डू, कॉज ये फॉलो कर रहा है मेरे को। कुप्चे में जल्दी, हेल्थी नहीं बची है। 200 हेल्थ बची है यार। गाइस मुझे जल्दी करना पड़ेगा भाई, कोई अभी हमला करे ना तो मरा भाई मेरा बियर मरा। नहीं जुड़ कम, तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ, सॉरी। जल्दी 100 हेल्थ बची है। अरे भाई मरने में जमाओ। अगर यहाँ पे बियर मर गया ना तो मेरे लिए गाइज यहाँ पे ट्रैवल करना के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। बाबा रे बाबा, रुको मैं इसकी हेल्थ फुल कर लेता हूँ जल्दी, कोई अटैक ना करे बस मेरे ऊपर। ओके A few moments later. यही तो जिंदगी में बचा था बस अभी भाई, आराम से मैं हेल्थ फुल कर रहा था अपनी, सीकर का हमला हो गया मेरे ऊपर। मेरे लगने वाले मैं मरने में जमाऊं, मेरे को कोई सेफ जगह नहीं मिल रही है जहाँ पे मैं अपने बियर की हेल्थ फुल कर सकूं, मतलब इन शॉर्ट मेरी पेटी बनने वाली है। मरा, लगाई था भाई, नहीं हो सकता था गाइस, मैंने पूरी कोशिश करी। ये लोग देखो अभी तक भी क्या कर रहे हैं यार, क्या दिक्कत है, क्या दुश्मनी है मेरे से भाई, सूट उड़ा देंगे भाई ये। भाई बियर जो है ना गाइस वो दे तो ओपी, बट रेडिएशन इसकी पैंट बजा देता है भाई। अबे तू कितने लेवल का है, मर भी नहीं रहा यार ये, मेरे को नीचे गिरा देगा यार ये, मेरे को नीचे गिरा देगा भाई। गाइस लगने वाले मेरे से, इससे पीछा नहीं छुड़ा सकता, कोशिश तो कर रहा हूँ मैं बट नहीं हो पा रहा है, कोशिश तो कर रहा हूँ। अबे चमन भाई बाहर में जाए, वो कहाँ पे जगह जहाँ से हम लोग का वो अंदर चला जाता है गाइस, क्या बोलते हैं उसको, स्केलीटन, मुझे वहाँ तक वापस से पहुँचना है। क्या मैं ग्रैपल कर सकता हूँ इधर? आई डोंट नो, लेट मी ट्राई, ना कैन नॉट ग्रैपल के तो। ओह शिट ड्यूड, लग गए मेरे, मेरी पेटी बन गई गाइस। अबे मारना भाई, क्या कर रहा है, पेटी बन गई। रेडिएशन है यहाँ पे, आई डोंट नो, ये रेडिएशन ही तगड़ा वाला, रेडिएशन टूट गया, रेडिएशन सूट टूट गया, बियर भी मर गया। और बेस क्या किया सीकर्स यार, कितने इरिटेट करते भाई,
कितना इरिटेट करोगे? जा ही नहीं रही यार। मैं मेरा भी दिमाग उम्र मरो भी ना, मर भी नहीं रही है। मरो मरो भाई, लग गया लग गया। एक काम कर, आई डोंट हैव एनी अदर चॉइस, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। ओह शिट, लेट्स गो। हट भाई, इस बार एक एक्सप्लोरेशन बहुत घटिया गया गाइस। मैंने सर्वर का डैमेज सिंगल प्लेयर में डायनो डैमेज था ना 0.5 था, इसमें मैंने जो डैमेज है ना वो रखा हुआ है गाइस डिफॉल्ट, जो कि 0.1 होता है। मतलब सिंगल प्लेयर में 5 गुना डैमेज जो था ना वो यहाँ पे बस एक ही है। जहाँ पे सिंगल प्लेयर में 5 डैमेज पड़ रहा था यहाँ पे एक ही पड़ेगा। इसलिए तो गाइस आपने देखा भी होगा कि हमारा जो बियर है वो हाई लेवल होने के बावजूद, जो सिंगल प्लेयर में हमने टेम करा था उससे ज़्यादा हाई लेवल होने के बावजूद काफ़ी कम जो है ना गाइस यहाँ पे डैमेज दे रहा था। यार दिमाग घूम गया यार मेरा, सच में भाई सच में दिमाग घूम गया। एक्चुअली मैं मरा कहाँ पे पता है? मेरे को रेड जेम की लालच मरवा दिया, पता है आपको? वो रेड जेम की लालच ने जो ना गाइस मेरे को मरवा दिया भाई पूरी तरीके से। अगर मैं वो रेड जेम की लालच नहीं करता, आराम से अपने रास्ते पे निकल जाता ना, कुछ भी नहीं होता भाई, आराम से निकल जाता मैं, जिंदा बचता अभी तक। वो जो रेड जेम की लालच थी ना वो मेरे को मरवा दी भाई। क्या बताऊंगा इसमें आपको, अभी मेरा दिमाग घूम रहा है गाइस। अभी मेरा बियर भी मारा गया, बियर का सैडल लेके आया, और बियर के ऊपर मैंने तो एक तो सेंटेड सैडल भी नहीं लगाया था। पिछली बार मैं गया था तो मैं सेंटेड सैडल लगा के गया था, इस बार वो भी नहीं लगाया मैंने। वो एक गलती कर दी सबसे ज़्यादा बड़ी वाली दो। और अभी भाई ये रिपेयर करने के लिए मेरे पास भाई वो गैस भी नहीं पड़ा है, क्योंकि मैंने इनको असेंडेड, अच्छा तीसरी चाहिए लेकिन रिपेयर करने के लिए। चलो मतलब अभी गैस बनेगा तब भाई रिपेयर कर पाऊँगा, वरना अभी तो रिपेयर नहीं कर पाऊँगा। एक काम कर लेता हूँ, ट्रैंकर उसे ना। चलो बॉयस बियर को टेम करने के लिए चलते हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं है भाई, कोई डाइनो नहीं है, ऐसे ही जाना पड़ेगा गाइज, ऐसे ही जाना पड़ेगा गाइज मेरे को बियर को टेम करने के लिए। हाई लेवल का बियर दिखेगा उसको भाई, आरो मार मार के मार मार के। और ये ग्रैपल का इस्तेमाल भाई, ये मत बोलना कि भाई ये ग्रैपल इधर भी नहीं लगता। What the shit dude, हम लोग इस वाले मैप पे ग्रैपल यूज नहीं कर सकते। ये तो भाई बहुत खतरनाक न्यूज़ मिली है मेरे को, बताया क्यों? क्योंकि ग्रैपलिंग हुक मैक्सिमम टाइम आपको पता होगा आप केओ में यूज नहीं कर पाते, और ये जो हम लोग अभी मैप खेल रहे हैं वो पूरा केओ मैप है, तो वो सेटिंग इनेबल करनी पड़ेगी जाके, तब जाके मैं भाई वो ग्रैपलिंग हुक यूज़ कर पाऊँगा, वरना नहीं यूज़ कर पाऊँगा भाई। मेरा दिमाग का दही हो रहा है यार। तो मेरे पास और एक प्लान है, देखते चलो वर्क करता है कि नहीं। पहले तो बियर मिल जाए मुझे यार, एक हाई लेवल का बियर। सामने एक बियर तो दिख रहा है मुझे, हाँ इट्स इट्स अ बियर। कितना लेवल है मुझे देखने दो गाइस रुको, लेट मी चेक किसकी लेवल कितनी है। जिप लाइन लगाया आप, नाइस। तेरे को कितना पैसा लगता है बे बुक्कड़? बियर की लेवल देखना प्यार से, 60 लेवल, भाड़ में जाए 60 लेवल। 60 लेवल वाले को तो मैं यहाँ से काट के रख दूँ तलवार से, बक तेरी बेस क्या तलवार से काट के रख दूंगा। चलो आगे ढूंढते हाई लेवल का बियर भाई। एक तो ये हेल्थ फुल होने का नाम नहीं ले रही है भाई, भाई नीचे से शिखर से मार खा के आओ बर यहाँ पे। वो एक और बियर है भाई, हाँ एक्सप्लोरर नोट 400 लेवल। वो तेल लेवल खतरनाक है, लेवल तगड़ी है। मेरा प्लान जानना चाहते हो क्या? देखो इधर ये लगाएगा जिप लाइन में, इसके ऊपर मैं राइड करूंगा अभी, बराबर राइड करके अपने आदमी क्रॉसबो लेंगा मैं, पर एक क्रॉसबो लेके मेरी जान। कैसे लगा प्लान? कैसे 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 प्लान कैसे लगा बताओ खाली गाइस। नहीं सॉलिड ग्रैपलिंग हुक यूज नहीं कर सकते तो क्या हुआ भाई? हमारा दिमाग तो यूज कर सकते जो हमारे पास है, ठीक है। हल्लो मारना इसको, वहाँ पे एक और बियर है उसकी लेवल पता नहीं है, लेकिन ये तो 400 लेवल का है भाई, ठीक है। वो वाला कितना है यार? इनका बेबी भी निकाल के इम्प्रिंट विम्प्रिंट करा दो क्या? मैं मजा आ जाएगा। बियर्स को टेम करते वक्त ना एक चीज़ पे आपको ध्यान में रखनी है, इनका टॉर्पोर, हमेशा इनका टॉर्पोर जो है ना गाइज वो हल्लोल्लो हम लोग को चढ़ा देना है। इसको मुझे लग रहा है किसी को तो खिलाना पड़ेगा। कहा भाई
एक हाथ डाइनो खिलाना पड़ेगा हमें भी। ये दिख रहा है क्या डाइनो यहाँ पे जो इसको खिला सकूं? भाग रही है भाई, तू 400 लेवल है ना भाई, इज रनिंग और कमिंग। घूम के वहाँ पे एक बैसिलिक है, मार दिया बैसिलिक को भाई, 1v1 जाके थोबड़े पे मारूंगा मैं। 400 लेवल था तो इतनी जल्दी कैसे टॉर्पर उसका हुआ? ए तेरी भैंस की आंख, तेरी भैंस की आंख, इज माइन इज माइन इज माइन, तू उसको कुछ भी नहीं कर सकता। बेच गया ग्रुप, बैसिलिक की हेल्थ भाई 40,000 हो, 50,000 हो, 100 भाई कितनी भी हो भाई, पेटी तो मैं बनाऊंगा इसकी। मर क्यों नहीं रहा? इसको खा, इसको खा जा, इसको खा, इसको खाना, खा, नाइस, खा जा, काफी बढ़िया, खा जा, नाइस वन। इसकी हेल्थ जो ना जो बढ़ चुकी है, अभी मैं क्या करेगा बताओ भाई? सिंपली भाई जिपलाइन पे लगेगा इस तरह से। अबे तू जिपलाइन तोड़ दिया, ये मेरे को पता नहीं था कि जिपलाइन भी तोड़ सकता है। तेरी भी इसकी आंख भाई, पैराशूट नहीं है मेरे पास, ये पैराशूट है ना भाई, रुको, मारेगा मारेगा, रुक मारेगा, कितना दूर जाऊंगा मैं इस पे पता नहीं भाई, कितना दूर जाऊंगा, बच तो जाऊंगा एटलीस्ट भाई। भाग रहा है अभी, अभी पक्का सूडक का भाग रहा है गाइज, अभी भाग रहा है, अभी भाग रहा है, अभी भाग रहा है, अभी भाग रहा है, भाग रहा है ना पक्का। हाँ 400 लेवल ही है ना, इतनी जल्दी कैसे नॉकआउट हो गया? सिंगल प्लेयर में तो नॉक होने का नाम नहीं ले रहा था, क्या तू इजीली नॉकआउट हो गया? भाई रुक जा, भेज गया, रुक, अबे केकड़े के पास मत जा भाई, इतने मुश्किल से मैं तो एक तो इसको बेहोश करूंगा, भाई जाएगा केकड़े बिकड़े के पास तो भी दिक्कत हो जाएगी। अबे ब्लॉक कर करके इसको, तेरे को जाने नहीं दूंगा मैं, माई जाने नहीं दूंगा तेरे को, मार का रहे तेरे, भेज गया भाई, तेरे को तो टॉर्पर चढ़ गया था, पागल बना रहे थे इसको का। मैं इसकी रिजेन करा रहा हूँ, मेरी हेल्थ तो भाई बहुत डाउन हो चुकी है। मुझे बियर का गाइस कुछ समझ नहीं आ रहा सीना, ये भाग भी रहा है, रिटर्न भी आ रहा है मारने के लिए, चल क्या रहा है भाई, करना क्या चाहता है? इसका टॉर्पर कितना चढ़ा है पता नहीं मैं, इसके पिछवाड़े पे भाई वो एरोज वगैरह मार रहा हूँ, आई डोंट नो भाई कब बेहोश होगा ये। कम ऑन ड्यूड, हीलिंग का आर्मर मुझे अपना बचा रहा है गाइस, हीलिंग खा ले, इसको पूरा टॉर्पोर चढ़ने दो, अल्लू अल्लू करके इसको जो ना गाइस खिलाना पड़ेगा वरना कोई डायनो मार रहा है मेरे को, मारने आ रहा है, आई डोंट नो गाइस, नो आइडिया, कोई आइडिया नहीं है भाई। तभी मैं बोली इतनी जल्दी बियर कैसे टेम हो गया 400 लेवल का, वो भी इसको टेम करना कोई भाई बच्चों का खेल नहीं है। अगर यहाँ पे मुझे वो इंद्रधनुष वाला इफेक्ट पड़ा गलती से भी, समझ लें तुम्हारा भाई मरा फिर सीधा फेंकू भाई, हो जा यार बेहोश, कब से दौड़े जा रहा है यार ये भाई, बेहोश होने का नाम ही नहीं ले रहा, सीधा थोबड़े में मार रहा हूं मैं इसके, कुछ तो अटैक भाई कनेक्ट भी नहीं हो रहे गाइस, क्या बोले भाई इसको, रुको भाई पानी पी ले पहले तो भाई, इसने तो ऊ कर करके भाई दिमाग खा लिया मेरा भाई, ऐसा ना हो कि इतनी मेहनत करूं एंड में जाके केकड़े से मर जाइए। कम ऑन ना यार तू, ओ फाइनली, हाँ भाई शाइन ऑन, ये कर ले चोमो, ये कर ले तू, उसको चुम्बी दे रही है भाई वो जाके, रात हो गई यार इसको बेहोश कर दे कर दे। ठीक है भाई, प्राइमिट पड़ा है मेरे पास, प्राइमिट पड़ा है, मैं इसका सुरक्षा भाई वो करूंगा, रक्षण करूंगा कैसे आप है? मेरे को पता नहीं भाई, 400 लेवल का बियर है, पिछला वाला 250 था, 300 लेवल का था, ये 400 लेवल का है, इसको गंवा नहीं सकते कैसे हम लोग। ठीक है वेट ए मिनट, धक 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 तो हो रहा है, तो तब तक पानी की बॉटल्स भी भर लेता हूँ भाई, तो आराम से खाना खा ले, आराम से डेम हो जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है आराम से डेम हो जा। बस इसकी डेमिंग इफेक्टिवनेस ना, ओ हीट वेव भी आई है साथ में, ओवर ईटिंग भी हो रहा है गाइस मेरा तो। ठीक है चलो, अभी ना तलवार हाथ में रख रखूंगा, तलवार बहुत खतरनाक है, 1000 डैमेज दे रही, सीधा 1000 भाई, सबकी बेटी बना देंगे भाई इसे तो। 74 ना भाई, इसको टाइम लग जाएगा हंगरी होने में, मैं एक साथ ही गाइस इसको खिला दूंगा, ठीक है इसको हंगरी होने में टाइम लग जाएगा, मुझे थोड़ा सा ना इसको भाई प्रोटेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। वैसे इधर तो कोई अटैक करने आएगा नहीं, आया तो स्पाइनो या केकड़ा आएगा, इसके अलावा और कोई नहीं आएगा भाई यहाँ पे अटैक करने के लिए, इन दोनों से बस बचाना है मुझे इसको। मुझे पता नहीं कितना प्राइमिड खाएगा, मैं पाइक वॉल लगा दूँ क्या यहाँ पे इसके आजू बाजू? पाइक वॉल बनाने के लिए तो फाइबर चाहिएगा इस खाली। ठीक है रुको, मैं पाइक वॉल भाई लगा के जो ना गाइज
मैं अपने आप को उसके अंदर भाई और अपने बियर को उसके अंदर ना भाई वो करके रख देता हूँ ट्रैप। ऑल राइट गाइज, वुड चाहिए भाई, अलग ही सीन है भाई। अभी वुड लेने के लिए उतने दूर जाना पड़ेगा वापस से। इससे अच्छा तो मैं इसके अंदर वो मिट्टी डाल दूँ, टेम हो जा भाई तू, डायरेक्टली टेम हो जा। 22%, ओह शिट, इसको टेम होने में काफ़ी टाइम लगेगा। टेमिंग इफेक्टिवनेस 96% है, 192 लेवल मिल जाएगी गाइज। ठीक है भाई, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ठीक है, हमारे डायनो को यहाँ पे टेम होने के लिए, सो सिंपल सी बात है, मेरे को अभी पाइक वॉल वहाँ पे लगानी पड़ेगी। मैं नहीं चाहता कोई डायनो आके जो है ना गाइज बैंड बजा डाले अपने प्यारे प्यारे से बियर का, वो भी इतने ज़्यादा हाई लेवल के बियर का, जो कि हम लोग को अंडरग्राउंड अंडा चोरी करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे वुड इकट्ठा कर रहा हूँ, ख़त्म क्या सारा वुड। ठीक है, वॉल बना ले, जितनी ज़्यादा बना सकता हूँ बना लेता हूँ, 20 बन गई है। चलो गाइस, अभी सुरक्षा घेरा जो है ना गाइस वो अपने बियर के आजू बाजू बना लेते हैं, एंड यस बियर को डेम होने के लिए काफ़ी टाइम लगने वाला है, सो थोड़ा सा इसको प्रोटेक्ट तो करना पड़ेगा। बट मुझे नहीं लग रहा उतने दूर से वो केकड़ा विकड़ा इसके ऊपर अटैक करने के लिए आएगा, बट इनकेस अगर आ गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए ना फुल सुरक्षा घेरा बना लेंगे। फुल सुरक्षा घेरा बनाते वक्त हमेशा ना, हाँ, इसे दूर रखना है थोड़ा, ताकि ना अगर कोई अटैक करने के लिए आ भी जाता है ना, लाइक दिस, ठीक है, इस तरफ से आ भी जाता है तो आना पे ज़्यादा नज़दीक। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे अंदर रहूँगा इसका प्रोटेक्शन करने के लिए, और इसको टेम होने तक हम लोग यहीं पे बैठे रहते गाइस। ठीक है, जब तक ऐसे टेम हो रहा है तब तक लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस। 3 days later. तो गाइस यहाँ पे 96% स्टिल टेमिंग इफेक्टिवनेस है, 88% हमारा बियर टेम हो चुका है, हमला हमारे ऊपर किसी ने भी नहीं करा है, और अभी थोड़े समय में बस अभी होने वाला है भाई ये टेम। आहा, लेट्स गो गाइस, ये हमारा बियर यहाँ पर टेम हो गया 592 लेवल का। क्या लग रहा है गाइस, इस बियर के साथ हम लोग यहाँ पे हमारा अंडरग्राउंड एडवेंचर जो है गाइस वो कंप्लीट कर पाएंगे। मुझे सबसे पहले तो ये जो बियर है ना गाइज, इस बियर की हेल्थ में ज़्यादा पॉइंट डाल देने। पिछली बार का जो बियर था ना भाई, वो बियर में क्या बताओ भाई, बहुत गंदी तरीके से मरा है। इसकी हेल्थ कितनी है, 7000, उसकी हेल्थ भाई 10000 थी पूरी टोटल। मैं इसकी 20000 हेल्थ कर देता हूँ, डबल हेल्थ रहेगी इसकी, वेट भी थोड़ा सा, स्टैमिना में पॉइंट डालने की ज़रूरत नहीं लग रहा है, और इसका डैमेज भी मेरे हिसाब से पिछले वाले बियर से ज़्यादा ही रहेगा, मुझे स्वॉर्ड की ज़रूरत शायद से पड़ेगी नहीं। 300 डैमेज, नाइस, इसका डैमेज भी काफ़ी बढ़िया ही जा रहा है, पिछले वाले बियर से एटलीस्ट ज़्यादा ही है, इतना तो हम लोग बोल ही सकते हैं। रुको, मैं फटाफट से जो ना कि इस बियर की थोड़ी सी लेवल अप कर लेता हूँ। मेरे हिसाब से ना इसकी हेल्थ लगभग होनी चाहिए 30000, ताकि अंडरग्राउंड, देखो मुझे अंडरग्राउंड वहाँ पे स्वॉर्ड से मारने का एक्सपीरियंस है, मैं स्वॉर्ड से काट के रख दूंगा भाई यहाँ पे क्या बोलते हैं उनको जो हमारे ऊपर हमला करेंगे डायनोज, उनको स्वॉर्ड से काट के रख दूंगा, उसका कोई सीन नहीं है। बट जो हमारा बियर है ना गाइस, बियर ये बहुत ज़्यादा जल्दी जो है ना इसकी हेल्थ कम हो जाती है और ये मर जाता है, इसलिए इसकी हेल्थ जो है ना गाइस जब तक भाई रहेगी तब तक, मतलब जब तक बियर जिंदा रहेगा तब तक मैं जिंदा रहूँगा, वैसा सीन है। सो इसके डैमेज में भाई पॉइंट नहीं डाले तो भी चलेगा, क्योंकि मेरे पास डैमेज के लिए जो स्वॉर्ड है ना गाइस वो पड़ी हुई है, और यहाँ पे एक एक्सप्लोरर नोट होता है जो अगर मैं ले लेता हूँ तो मेरे बियर की काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी लेवल अप होगी। रुको, अभी इसकी लेवल अप जो है ना भाई बहुत ज़्यादा स्पीड में होगी गाइस। ठीक है, हम लोग को लेवल अप वाला बूस्ट जो है ना गाइस वो मिल चुका है, तो मैं फटाफट से ना इसकी लेवल अप कर लेता हूँ, और इसका डैमेज वगैरह आपको कितना जा रहा है ना वो दिखा देता हूँ। 30000 तो मैंने इसकी हेल्थ कर दी है, फाइबर वगैरह बहुत इकट्ठा कर रहा भाई। चलो फेंक दो ये, चलना आना भाई, हो रही है लेवल अप तो हो रही है भाई, लेवल अप तो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी हो रही है गाइस यहाँ पे। ठीक है, अभी देखते हैं गाइस कि इसका डैमेज कितना जा रहा है। मैंने डैमेज में भी थोड़े पॉइंट डाल दिए, 206 का, 256 इसका। स्टैमिना ड्रेन, पहले से स्टैमिना नहीं है मेरे पास तो और स्टैमिना ड्रेन डाल दिया अलग से भाई। चलो नाइस, खा जाए इसको तेरी भाई, नाइस, पेड़ डाला भाई, पेड़ डाला, मरना नहीं ब्रो, मरना नहीं है, आराम से। स्टैमिना ड्रेन पहले मिल चुका है मेरे को, पहले स्टैमिना ड्रेन मिल चुका है, और इसने भी स्टैमिना ड्रेन ही डाला मेरे को। ठीक है गाइस, कोई ना, लेवल अप जो हो चुकी है,
वो ठीक ठाक हो चुकी है। मैं अगर इसको ऐसे ही छोड़ के जाऊंगा ना तो कल तक मेरे हिसाब से इसकी मैक्स लेवल अप ना आ जाएगी, क्योंकि सर्वर कंटिन्यू चलता रहेगा, ऑन ही रहेगा। हम सर्वर में खेल रहे तो इसकी लेवल अप जो है ना गाइस वो भी धीरे धीरे करके होती रहेगी। 30,000 इस बार हेल्थ करी है मैंने, और इस बार रेड जेम्स की जो गाइस लालच है ना वो हम लोग नहीं करेंगे, रेड जेम के पीछे नहीं पड़ेंगे, सीधा अंडा उठाएंगे 2-3 अंडे और सीधा घर पे टिप्पी। ओके, सो आज का जो एक घंटिंग है गाइस वो तो हमारा फेल हो चुका है, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि कल वाला जो एक घंटिंग है वो यहाँ पे नए बियर के साथ हमारा अच्छे से चला जाए, ठीक है। वो मुझे इस बियर की लेवल अप करने के लिए इसके अंदर मिट लेवल अप नहीं हील करने के लिए इसको मिट डालना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है, ताकि अपने आप को हील करे। अभी जितने भी पॉइंट आएंगे मैं सारे इसके उसमें डाल दूंगा मिली डैमेज में। और एक और बात, पिछली बार मैंने ये गलती करी थी कि मैं बियर का ना अनफॉलो कर भाई अनफॉलो ओह मैन स्टॉप वन ओके। पिछली बार जो है ना कि इसमें बियर का सैडल असेंडेड करके नहीं गया था, इस बार सेम गलती नहीं करूंगा मैं। इस बार इसका जो सैडल है सीमेंटिंग पे चाहिए क्या ब्रो? भाई कितना सीमेंटिंग पे चाहिए बता? तेरे को तो मैं अनफॉलो करा था भाई, तू आ कैसे गया भाई वापस से? इसको क्राइव करना पड़ेगा लग रहा है, ठीक है। रुको मैं बियर का सैडल जो है वो असेंडेड बना लेता हूँ जल्दी जल्दी, ताकि इसको आर्मर प्रोटेक्शन ज़्यादा मिले। रेडिएशन से तो कैसे आर्मर बचाएगा नहीं उसको, बट जो डायनोज अटैक करेंगे उनके डैमेज से ज़रूर बचाएगा। और जो बियर की हालत हमारी पहले हुई थी ना वैसी कुछ हालत नहीं होगी भाई। मैं क्या इसको डायरेक्टली नहीं डायरेक्ट नहीं बना सकता, स्मिथी में बनाना पड़ेगा। और सीमेंटिंग पेज चाहिए 470, टोटल सीमेंटिंग पेज की कितनी डिमांड है 1900, मतलब मुझे थोड़े से सीमेंटिंग पेज यहाँ बनाने के लिए डालने हैं, ठीक है। ओह शिट, मेरे पास बियर का सैडल ही नहीं है, नॉर्मल बियर सैडल बना ले ब्रो। बियर का सैडल इन्वेंटरी में बनता है, नॉर्मल सैडल बनाता हूँ। और रुको, हाँ मुझे अपने बियर से अभी ना थोड़ी सी हंटिंग करनी पड़ेगी। किन की हंटिंग? चिटिन्स की गाइस, ठीक है। मेरे को चिटिन जो है जो चाहिए होगा वो ट्रिलोबाइट नहीं होते हैं, वो ट्रिलोबाइट की हंटिंग करनी पड़ेगी मेरे को। रुको मैं ट्रिलोबाइट की जो है थोड़ी सी हंटिंग करता हूँ, मुझे चिटिन काफ़ी ज़्यादा चाहिए। चिटिन जो है उतना ज़्यादा मेरे पास है नहीं है रे ट्रिलोबाइट्स, इनको मार के ना चिटिन इकट्ठा कर लेता हूँ। रुको मैं ऐसे इनको मारना कोई मुश्किल काम नहीं है, ईजिली मर जाते हैं ये खल्लास भाई, ईजी पीजी। इनको मारना तो बच्चों का खेल है। ओ भाई बियर की लेवल अब भी तगड़ी हो रही है वैसे फिश को मारने से। मार इसको खल्लास, ठीक है। कितना मिला? 900 ना। चिटिन तो मुझे काफ़ी ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि लगभग ना 1000 सीमेंटिंग पेस्ट बनाना है, सो उसके लिए चिटिन काफ़ी ज़्यादा चाहिए। मार इसको, अबे यार कहाँ चला गया वो? ओ हार्वेस्ट कर दिया उसको डायरेक्टली। तेरा एक और ट्रिलोबाइट कहाँ पे? पानी में काफ़ी ज़्यादा ट्रिलोबाइट है गाइस, भाई एक एक पटके में मर रहे मेरे तो, बड़े ज़्यादा के चिटिन दे नहीं रहे वैसे। मैं जाके सोच रहा हूँ बड़े से केकड़े को मार दूँ, बट थोड़ा सीन हो जाएगा केकड़े को मारते मारते, इसलिए उसको मार नहीं रहा। 500 का डैमेज है ड्यूड, नाइस नाइस गाइस, 500 डैमेज गाइस, ठीक है। चलो अपोजिट में कितना हो गया चिटिन? 7000, थोड़ा सा और चाहिए होगा मुझे चिटिन गाइस, ठीक है। 15,000 चिटिन जो है वो इकट्ठा कर लेता हूँ। रुको मैं लगभग 15,000 चिटिन, ओके गाइस। भाई ये 1500 और 1600 हो गया, ठीक है। केकड़ा सिंह को मैं मार तो सकता हूँ वैसे, बट केकड़ा सिंह को गुस्सा है ना तो उल्टा मेरे को ना मार दो, ठीक है। खा जा भाई इसको, मैं केकड़े को भी मार के आता हूँ, ऑर्गेनिक पॉलीमर भी मिल जाएगा मेरे को थोड़ा, ठीक है। 180 भाई चिटिन दे रहे हैं मेरे को, लो लो लेवल के होते हैं ना कैसे वो काफ़ी कम चिटिन देते हैं। मर जा भाई, 600-800 ऑल राइट। एंड यहाँ पे एक और ट्रिलोबाइट देखा था मैंने जो पानी में चला गया, मेरे को देख के भाग ही गया भाई, पानी में भाग गया सीधा, ठीक है गाइज। लेट्स सी, खतरों के खिलाड़ी बन रहे हैं हम लोग अभी, ठीक है, खतरों के खिलाड़ी बन रहे हैं। 500 डैमेज, नाइस वन जी जी। 1400 भाई, इससे खास कुछ? 2000 3000 4 5, अरे बाप रे तगड़ा तगड़ा वाला मिला मेरे को, किराना से बच गया। ना किल मी और वॉट, ना ना पेटी बना दूंगा, क्या कर रहा है भाई, नाइस वन। चलो मरते मरते बचाओ, लेकिन चिटिन जो है गाइस वो काफ़ी ज़्यादा मेरे को मिल चुका है। अभी चुपचाप जो है ना गाइस घर पे चलता हूँ, सीमेंटिंग पेज बनने के लिए डालता हूँ, और कल तक जो है ना गाइस मेरे हिसाब से 1-2000 सीमेंटिंग पेज जो है ना गाइस वो बन जाएंगे। वैसे भी गाइस हम लोग को जाना है गाइस कल ही यहाँ पे हमारे एडवेंचर पे, तो
हम लोग कल तक के लिए भाई यहाँ पे इंतजार करेंगे सीमेंटिंग फेस्ट बनने का, ठीक है। और कल वाले एपिसोड में ही जो ना कि सीधा वापस से हम लोग अंडरग्राउंड जाएंगे। जाते जाते थोड़ा और लेके जा रहा हूँ मैं, रास्ते में दिख रहे हैं ना उनको, मार के जा रहा हूँ आराम से। हार्वेस्ट क्यों नहीं करा भाई? ओके 200 ही मिला मेरे को, ज़्यादा नहीं मिला। चलना देख देखे इसकी कितना सीमेंटिंग फेस बन सकता है। भाई साहब दो दो एक साथ मिल गए, ठीक है। 1700 जो है गाइस वो चिटिन यहाँ पे मिल चुका है। सिलिका पल ऑयल अलग मिला है गाइस, ठीक है। चलो मैं बाद में कर लें भाई। चिटिन तो मिल गया भाई थकड़ा वाला, ऑर्गेनिक पॉलीमर भी मिला है, ऑयल और केरेटिन वगैरह भी मिला है, ठीक है। लेवल अप भी आई है, 4 लेवल मैक्स लेवल अप हो गया गाइस, खत्म। मैक्स लेवल अप हो चुका है गाइस हमारा डायर बियर, अच्छी बात है। चलो लेट मी चेक, एक मिनट इसको क्रायो करने दो। एंड इस बियर को मैं यहाँ पे बाहर निकालूंगा। एंड इसमें जितना भी मीट है वो ले ले यहाँ पे, और जितना भी हाइड है वो ले ले, और जितना भी फाइबर है वो ले ले। एंड ये जो जितना भी मीट है मैं इसके अंदर डाल दूंगा ताकि अपने आप को हील कर सके अच्छे से। शाइन ऑन, तेरा क्या सीन है? तेरे में खाने के लिए है ना चीज़ें? नहीं होगी तो बता देना, मैं दे दूंगा तेरे को, ठीक है। खा ले आराम से, खाना खा ले तू भी। एंड मैं यहाँ पे चिटिन बनाने के लिए डाल देता हूँ, ठीक है। ये चिटिन नहीं, सॉरी सीमेंटिंग बेस बनाने के लिए डाल देता हूँ। 1000 हेवी गो यहाँ पे, और 1000 बनेगा, ठीक है। ये बन गया 1000। एंड आखिरी वाले में, अच्छा इसमें बन रहा है ना, मिडल वाले में ये और 1000। डन गाइज, सीमेंटिंग बेस बन रहा है, कल तक बन के रेडी हो जाएगा। फिर वो जो असेंडेड वाला ये ब्लूप्रिंट है उससे जो सैडल है गाइज हम लोग इजीली बना पाएंगे गाइज। तो अभी के लिए ये वाला जो हमारा एपिसोड है वो यही पे खत्म हो जाता है। अगर आज का एपिसोड आपको आर्क एबरेशन का पसंद आया होगा, जैसे इसमें जो है ना हमारी बैंड बहुत गंदी वाली बच गई, लेकिन अच्छी बात है हम लोग ने 6 सिटी लेवल का एक बियर यहाँ पे टेम करा है, और इसकी मदद से हमारा मिशन जो फेल हुआ है वो अगले एपिसोड में हम लोग जो है ना गाइस कंप्लीट करने के लिए वापस जाएंगे। बाकी अगले एपिसोड में वो मिशन सक्सेसफुल होके रहेगा, क्योंकि तुम्हारा भाई ना लालच नहीं करेगा। इस बार अच्छे से जाऊंगा, अंडा चुरा के सीधा कल्टी, ठीक है। चलो मर गया लग रहा है मैं। चलो फिर गाइस आज का ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं सीधा गाइस सबसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय मेरे भाई लोग, मिलते सीधा अगले एपिसोड में, बाय बाय गाइस।